तो छठे चरण का मतदान जारी है, चुनाव चल रहा है और 5 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कुछ ही मिनट बचे हैं और लगभग 1 घंटा लगा लीजिए जब छठे चरण का मतदान पूरा हो जाएगा। कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख ईवीएम में कैद हो जाएगी। 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिरकार किसके भाग्य में जनता ने क्या तय किया है। योगी आदित्यनाथ का भाग्य भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर हुंकार भर रही है कि वो योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे, लेकिन योगी कह रहे हैं कि मुकाबला एक तरफा होगा। मसला सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं है और इस चरण में अगर मैं बात करूं तो 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। लगातार सुबह से नॉनस्टॉप हम आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे हैं, तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से आप तक पल पल की खबर दे रहे हैं आपको और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं और सुभाषपा से दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दयाराम भार्गव जी आपके पास आना चाहेंगे। भार्गव जी, ये पूर्वांचल से बड़ी उम्मीदें थी सुभाषपा को, राजभर जी को, क्या खबर आ रही है आपके पास पूर्वांचल से? मैं इस समय तिलक भाई पूर्वांचल में ही हूँ और पूर्वांचल की स्थिति इतनी अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी को उसके पेट में पचाए हुए जो खाना वो हजम नहीं होता, उसका कारण है। आप देखिए, चाहे पश्चिम का रहा हो चाहे मध्य का रहा हो, आज हम पूर्वांचल, पूर्वांचल की जनता ने मन बनाया है कि इस कितने बर्ताव की। आपने देखा होगा जिस तरह 5 साल में योगी सरकार ने विकास का काम जो किया, विकास में चुनाव लड़ना चाहिए, कभी गर्मी निकाल देंगे, कभी एक किसी तरह की बात कर देना, जनता के साथ छलावा का काम, बांटों की राजनीति करना, जनता के साथ छलावे का काम करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये जनता के साथ छलावा करने का काम करना। आपने विकास क्या किया है? क्या युवाओं को रोजगार आपने दिया तिलक भाई? नहीं दिया। जब हमारे छात्र युवा बेरोजगार, तो शिक्षक भर्ती घोटाला योगी सरकार ने किया, नौकरी मांगने के लिए धरना प्रदर्शन या उनके दरवाजे पे जाते हैं योगी बाबा, छात्रों को उससे लाठी डंडे पकड़ने का काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे पे जाते हैं, वो छात्र पीटी मिलने का काम होता है। आप बताइए, युवा बेरोजगार किससे नौकरी मांगने जाएगा? तो ये लोग बात करके तरह तरह की महंगाई से भारतीय जनता भागती है, महंगाई पे चर्चा नहीं करती और ना तो नौकरी बात करेगी। केवल केवल इनके पास ढकोसला है तिलक भाई। अगर ढकोसला ना होता, मैं आज का बताऊं, आज शिवपुर के अहड़े शिवपुर विधानसभा का अहड़े का जो क्या नाम है ग्राउंड था, आप उस ग्राउंड को देखो, उस ग्राउंड में लोगों ने आकर के, जनता आकर के बता दिया है कि 10 मार्च को क्या उम्मीद लग रही है, कितनी सीटें आ जाएंगी पूर्वांचल से सुभाषपा को? सुनने में आया और मैं नाम नहीं लूंगा भार्गव जी, समस्या क्या आ रही है आपके प्रत्याशियों के साथ में कि उनको साइकिल के साथ छड़ी थमा दी गई है, समझ रहे ना सर? साइकिल के साथ छड़ी थमा दी गई है, ये बड़ी समस्या भी आ रही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये ग्राउंड जीरो की हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलिए कि हाँ गलत बोल रहे हो। नहीं नहीं, गलत नहीं। देखिए, जब हम गठबंधन में है तिलक भाई, जाहिर सी बात है गठबंधन में जिस पार्टी का सिंबल है, जो चुनाव चुने वही तो होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में तभी तो हमारा छड़ी चुनाव चिन्हता, हम इस चीज को मना कर रहे हैं। ठीक है, हम छोटी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अवहेलना करने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को सुना होता या इन मुद्दों को मानने का काम किया होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी का हताशा और निराशा जो उत्तर प्रदेश में इनको दिखाई दे रहा है, इसके समझ से परे नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया कि देश के प्रधानमंत्री हर जिले में रैली करके मजबूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि देश के गृह मंत्री थूक लगा करके पर्चा बांट रहे घर घर जाकर के। ये वही देश के गृह मंत्री है जो लूल लूल की बात किया करते हैं। इन्होंने रामायण को पलटने का काम किया।
कहा राम रावण की लड़ाई में जब हाँ। रावण मृत सैया पे था तो भगवान राम ने जो भरत को भेजा। अब आप बताइए वहां भरत थे कि लक्ष्मण थे। दूसरी बात, बेरोजगार युवाओं के बारे में क्या बोला, मुझे सीधा सीधा बताइए कि हम इतनी सीटें लेकर आ रहे हैं पूर्वांचल से। मैं सोलदे भारतीय समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की नहीं। इतना आकलन बता दीजिए मुझे। देखिए हमें, मैं आज 57 का जो चुनाव हो रहा है 57 सीटों की तिलक भाई, उसमें मैं 45 प्लस हूँ। नोट करिए इस बात को, 45 प्लस है गठबंधन।